गर्मियों में इसका मजा ही अलग रहता है, बहुत मजा आता है। वाह, गूगल एडसेंस की तरफ से एक अपडेट आया है। पिछले हफ्ते ही अपडेट को किया गया था। आप सभी अगर एडसेंस लॉगिन किए होंगे तो आपको एक पॉलिसी अपडेट एक्सेप्ट करने के लिए आया होगा। शायद ही आप पढ़े होंगे क्योंकि 20-25 पन्ने का था, लगभग 22-23 पन्ने का अपडेट है और मुझे नहीं लगता कि आप पढ़े होंगे, बट मैंने उसे ध्यान से पढ़ा है। मैंने भी नहीं पढ़ा था बट बाद में दूसरे अकाउंट ने पढ़ा, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर्स या फिर जो एडसेंस यूज़ करते हैं उन लोगों ने मुझे मेल किया और उनके माध्यम से पता चला कि एक अपडेट है। तो मैंने उसे ध्यान से पढ़ा और उसके बाद मालूम चला कि हाँ रियली में एक अपडेट है, क्योंकि अभी हाल ही में गूगल को एक बहुत बड़ा पेनाल्टी देना पड़ा है एक कंपनी को, जो कि इसमें केस हार चुका है गूगल, और उसकी वजह से स्ट्रिक्टनेस ये दिखाया गया है गूगल की तरफ से, और वो स्ट्रिक्ट हो रहे हैं खास करके फेक या फिर डुप्लीकेट गूगल एडसेंस अकाउंट को लेकर, या फिर उन लोगों को लेकर जो कि गूगल एडसेंस के अकाउंट को खरीद बेचते हैं, बनाकर बेचने का जो धंधा है उसको रोकने के लिए, या फिर एक आदमी मल्टीपल गूगल एडसेंस अकाउंट यूज़ कर रहा है उस चीज़ को लेकर, है ना। तो इसे कैसे, इसके लिए क्या किया है बेसिकली, कि अगर आप इस अपडेट में पढ़ेंगे तो इसमें यही लिखा हुआ है कि गूगल अब समय समय पे वेरीफाई करेगा आपके दिए हुए डिटेल्स जो कि एडसेंस के अंदर मौजूद हैं, उसे वेरीफाई करेगा, कभी भी कर सकता है। और इनफैक्ट कई लोगों ने ऐसा बताया हमें, कुछ वीडियोस भी आप यूट्यूब पे देख सकते हैं जिसमें प्रूफ दिखाया जा रहा है कि गूगल एडसेंस जैसे लॉगिन कर रहे हैं बच्चे तो उनके पास कह रहा है कि आप वेरीफाई कीजिए आइडेंटिटी अपना, और अपना जो जब आपने एडसेंस बनाया था उस समय जो आपने पिन वेरीफाई करने के टाइम में एड्रेस दिया था वो प्रूफ अपलोड कीजिए। ये इसलिए क्योंकि हो सकता है वो खरीदे हो किसी का एडसेंस अकाउंट, जिसने अप्रूव कराया था वो दूसरा हो, आज दूसरा कोई यूज़ कर रहा हो, अगर ऐसा नहीं हो रहा तो वो बंद हो जाएगा, वो नहीं आप कर पाएंगे, ठीक है। उसके अलावा दोबारा कई लोगों को जो है पिन, इवन वेरीफाइड अकाउंट्स है और दोबारा कई लोगों को ऐसा कहा जा रहा है कि पिन जो है दोबारा भेज रहे हैं, उसे आप दोबारा एंटर करना होगा उसी एड्रेस पे। तो आप सभी से निवेदन है कि हो सकता है मोबाइल वेरिफिकेशन भी करा ले, जो भी डेटा है एडसेंस के अंदर आपके प्रेजेंट मोबाइल नंबर से लेकर आपका अल्टरनेट ईमेल एड्रेस से लेकर आपका एड्रेस जो कम्युनिकेशन एड्रेस है वो सभी करंट एड्रेस होना चाहिए, बिल्कुल ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, नहीं तो आप फंस सकते हैं। भले ही आपका कितना भी पेमेंट आ चुका है, कितने भी पुराने बंदे हों, ये सबके ऊपर लागू है, गूगल को डाउट होगा तो वो वेरीफाई करा लेगा आपसे। कई लोग आप वीडियो देख सकते हैं, यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो उसका प्रूफ डाले हुए हैं कि उन्होंने पेमेंट उठाया है कहीं और फिर भी उनको आज इस तरह का वेरिफिकेशन का सामना करना पड़ रहा है। तो हो सकता है कि आप सामने अगर सही भी, कई लोग ऐसे होते हैं जो कि बहुत समय से जब एडसेंस क्रिएट किया था उस समय दूसरा फ़ोन नंबर था उनके पास, आज दूसरा है तो चेंज करके प्रेजेंट फ़ोन नंबर डाल दीजिए, प्रेजेंट अल्टरनेट ईमेल एड्रेस जो है वो टैब में उसे यूज़ करने वाला जो आप यूज़ करते ईमेल वो डाल दीजिए, आपका करंट एड्रेस ये बिल्कुल डाल दीजिए, क्योंकि अगर गूगल उस पर पोस्ट कार्ड भेजता है दोबारा आपको पिन वेरीफाई कराने के लिए तो आप फंस सकते हैं। तो सब कुछ करंट रखिए और अपडेटेड रखिए और सुरक्षित रहिए बस, और इतनी डरने की कोई बात नहीं है, बाकी सब आप पैसे कमाते रहिए, नोट छापते रहिए, चाहे आप ब्लॉग से छाप रहे हों, यूट्यूब से छाप रहे हों या फिर एडमॉब से छाप रहे हों। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, वीडियो सर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।